हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो इसमें सबसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाला है। तो वीडियो को क्या करना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि वीडियो में बताने वाले आप लोग एक जो केमिस्ट्री है सेमेस्टर थ्री का, इसका सिलेबस बताने वाले, इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताने वाले। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल में नए होंगे जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल में जो है सो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का, जो भी यूजी पीजी का सारे सेमेस्टर होते हैं, मतलब उस सारे में आप लोग के लिए हेल्पफुल चीज़ें मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं क्या सेमेस्टर थ्री में आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग को पता है क्वेश्चन कि सेमेस्टर थ्री में आप लोग को दो मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे, मेजर फोर और मेजर फाइव। तो मेजर फोर को पहले देखेंगे क्या पढ़ना है इसमें। ये थ्योरी पेपर है मेजर फोर, तो थ्योरी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री। और इसका पासिंग मार्क्स जो है 40 रहेगा और 25 आप लोग का अटेंडेंस या फिर इंटरनल जो रहेगा जिस बेस पर देंगे तो उससे होगा, ठीक है। और 75 आप लोग को लिख के लाने से और टोटल 100 होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या आप लोग को रहने वाले हैं, तो पढ़ना क्या है उसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कोर्स कंटेंट स्टार्ट होता है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर रहा है। तो इसके बारे में हमको जानने का ये भी है, क्या कहते हैं, उत्सुकता भी रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं सारा मतलब लगभग इंग्लिश मीडियम में ही लेते हैं, ठीक है, हिंदी में लेना पसंद नहीं करते हैं, या फिर हिंदी में बनता तो ज़रूर होगा क्वेश्चन, लेकिन लेते नहीं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में जल्दी समझ आता है और कम शब्दों में बहुत बड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। रीजन क्या है कोर्स कंटेंट में, पहला है गैसियस स्टेट के बारे में आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, तो क्या बिहेवियर होता है रियल गैस का उसके बारे में अभी इसमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, तो मतलब कि टोटल क्वेश्चन इसमें जो है सो गैस के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं वो सारा एक चैप्टर का रूप लेता है, जैसे कि देखिए डेविएशंस फॉर्म आइडियल गैस बिहेवियर, तो डेविएशन फॉर्म आइडियल गैस बिहेवियर एक अलग चैप्टर है, इसको निकालिए, तो इसके बारे में जितने भी चीज़ें हैं सर्च कीजिए, इसको देखिए कि क्या क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारा चीज़ आप लोग को पढ़ना है। फिर देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इट्स वेरिएशन विद प्रेशर फॉर डिफरेंट गैसेस, तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है उसके बारे में पढ़ना, ठीक, कैसे कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर होते हैं एंड इट्स वेरिएशन विथ प्रेशर फॉर डिफरेंट गैसेस, तो प्रेशर अलग अलग डिफरेंट गैस के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्यों होता है उसके बारे में आप लोग को जानना है। तो सेमेस्टर थ्री में आप लोग क्या जानिएगा, इसी चीज़ को जानना है, ठीक है। एक पॉइंट बता दिए मतलब, ठीक है, इसके बाद भी और पॉइंट है, काउजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो आइडियल बिहेवियर कौन कौन से होते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो जो इक्वेशन है वैन डर वाल्स का, ठीक है, इट्स डेविएशन एंड डिप्लीकेशन इन इट्स प्लानिंग रियल गैस बिहेवियर, तो इसके बारे में भी आप लोग को लिख लेना है, मतलब समझ लेना है, ठीक है। देखिए वैन डर वाल्स इक्वेशन एक्सप्रेस्ड इन वर्चुअल फॉर्म बॉयल टेम्परेचर क्या है, आइसोथर्म्स ऑफ मतलब बॉयल टेम्परेचर क्या है इसके बारे में नहीं, इसका बॉयल टेम्परेचर क्या है, ठीक है, आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस एंड देयर कंपेरिजन विथ वैन डर वाल्स आइसोथर्म्स कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स क्रिटिकल स्टेट क्रिटिकल वैन एंड वैन डर वॉल्स कॉन्स्टेंट्स लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, तो ये सारा पॉइंट बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस के बारे में था, ठीक है। अगला जो है पॉइंट काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ गैस का है, तो इसको देखिए पोस्टुलेट्स एंड डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक गैस इक्वेशन कोलिजन फ्रिक्वेंसी कोलिजन डायमीटर मीन फ्री पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्लूडिंग देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैलकुलेशन, ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि हम पढ़ दे रहे हैं, ठीक, इस तरह से नहीं है, ठीक है, तो इसको मतलब कि पढ़ना ही पड़ेगा, आप पढ़े चाहे हम पढ़ें, ठीक है, हम पढ़ेंगे तो क्या होगा क्वेश्चन आप लोग सुनिएगा ना, तो आप लोग को स्पेशली पता रहेगा, ठीक है।
और आप लोग पढ़िएगा तो क्या होगा, पढ़ के निकल जाइएगा। तो इसको सुनना है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने पढ़ने में भी अंतर है, सुन, ठीक है। कोई दूसरा पढ़ेंगे फिर इसी चीज़ को कोई तीसरा आदमी पढ़ेगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। यही रहता है मतलब माइंड का जो खेल है ना, यही है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि क्या हम, मेरे पास भी हम भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सुन के ज़्यादा याद रख सकते हैं। देखिए सुन क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन फ्री फेथ एंड कोफिशियंट, ये तो बता चुके हैं। देखिए हमको याद हो गया क्या क्या बता चुके हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ ये जो है ये कोई साइन है, ठीक है। इस साइन को आप लोग को समझना है, क्योंकि ये साइन हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। बट स्टूडेंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जरूर रहा है, तो इसको जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। आप लोग को पता होगा तो जरूर से बताइएगा, ठीक है। अब अगला सुन, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव होता होगा। देखिए शब्द से हमको पता चलता है कि देखिए तापमान जो होता है सुन सब और एक दबाव होता है प्रेशर, ठीक है। तापमान के अकॉर्डिंग ही प्रेशर होता है। तापमान जैसे कि बढ़ता जाएगा तो प्रेशर क्या होगा आप लोग समझिए। जैसे कि चावल हम लोग बनाते हैं किसी भी बर्तन में बनाते हैं, तो देखिए उसको ढक देते हैं ऊपर से, या फिर पानी ही गर्म करते हैं ऊपर से ढक देते हैं, तो उसका जो तापमान देते हैं तो उसके बाद उसका जो दबाव होता है ऊपर धकेलने का वो कैसा आवाज़ करने लगता है थाली ऊपर में रखते हैं तो मतलब प्रेशर में बदलाव आता है, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो एक मेरे अकॉर्डिंग मतलब एक नया चीज़ नहीं, आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। देखिए मैक्सवेल का जो है सो मैक्सवेल और फ्लेमिंग का हम नियम पढ़े थे 10th में पढ़े थे स्टूडेंट्स, वो हमको याद है, ठीक है। वो कुछ चुंबक से रिलेटेड था शायद, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, इस तरह से था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पढ़े थे शायद वही होगा, ठीक है। और देखते हैं क्या दूसरा भी है, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूज इन इवेल्यूटिंग, मतलब उसका नियम जो है सो यहाँ पर कुछ किया जा रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपेरिटेशन ऑफ एनर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड मोलिकुलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटीज, तो कुछ इस प्रकार से इसका था सुन, ठीक है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कुछ कुछ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग को याद आ रहा है, ठीक है, जानने के प्रति उत्सुकता बढ़ रहा है, वही बड़ी चीज़ है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट में आप लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड देयर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स ऑन सरफेस टेंशन, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, तो जो होता है डिटर्जेंट्स, तो ये तो मतलब सर्फ का बात हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग कपड़ा साफ करते हैं। अगला देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो हो सकता है कुछ अलग भी हो। देखिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के बारे में ही बात हो रहा है। आगे देखिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट हो गया, अब सॉलिड स्टेट देखते हैं। नेचर ऑफ द सॉलिड स्टेट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, लॉ ऑफ रैशनल इंडिकेज मिलर इंडिकेज, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स एंड सिमेट्री ऑपरेशंस, क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ पॉइंट एंड स्पेस ग्रुप्स, इवन क्रिस्टल सिस्टम्स एंड 14 ब्रेवियस लेटिक्स एक्सरे डिफ्रेक्शन, ठीक है। ब्रेक्स लॉ, अ सिंपल अकाउंट ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड पाउडर पैटर्न मेथड, एनालिसिस ऑफ पाउडर डिफ्रेक्शन NaCl के बारे में हम पढ़े थे शायद 10th में ही पढ़े होंगे। CaCl एंड KCl, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल ग्लासेस एंड लिक्विड क्रिस्टल्स, तो ये हमको तो समझ में सारा नहीं आया सुन क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आई होप सुन आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो इसमें रहता है बीए में ग्रेजुएशन में वो कुछ कुछ 11th और 12th में बता दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ गया होगा सुन, ठीक है। अब देखिए आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो इसमें क्या स्ट्रॉन्ग मॉडरेट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, डिग्री ऑफ लोनिजेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ लोनिजेशन, आयोनिजेशन कॉन्स्टेंट एंड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिजेशन ऑफ
वीक एसिड्स, तो ये आप लोग को इतना पढ़ लीजिएगा, लेकिन नहीं हम पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए वीक एसिड्स एंड बेसिस, पीएच स्केल, पीएच स्केल के बारे में हम भी जानते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, उसमें पता करते हैं अम्ल है कि क्षार है, सो ठीक है। अब देखिए आगे क्या, कॉमन इन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स डिसोसिएशन, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मोनो डी एंट्री प्रोटिक एसिड्स, साल्ट हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट्स, डिग्रीज ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच फॉर डिफरेंट साल्ट, बफर सॉल्यूशन, हेंडरसन इक्वेशन, बफर कैपेसिटी, बफर रेंज, बफर एक्शन, एप्लीकेशन ऑफ बफर्स इन एनालिटिकली कल केमिस्ट्री, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ब्रोंस्टीड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्वेटेड प्रोटोन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस, लेवलिंग सॉल्वेंट्स, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, तो इसके बारे में बात हो रहा है। क्लासिफिकेशन में लेविस एसिड्स, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, एच एस ए वी एप्लीकेशन ऑफ एच एस ए वी प्रिंसिपल, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बेस ट्रीशन कर्व्स, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एट वेरियस स्टेज, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स एंड देयर लिमिटेशन, मल्टी स्टेज इक्विलिब्रिया एंड पॉलीइलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब अगला प्रैक्टिकल वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाला आसानी है, तुरंत जस्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है प्रैक्टिकल में, क्या इसमें भी 100 नंबर का है, ठीक है। पहला क्या है सुन, इसमें टू एक्सपेरिमेंट्स आर टू बी परफॉर्म, तो कुछ जो चीज़ें हैं आप लोग को वहाँ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। अगला देखिए सुन क्या, सरफेस टेंशन मेजरमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन बाय ड्रॉ ऑफ नंबर मेथड, अगला स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन विथ कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो है इसको आप लोग को मेजरमेंट करने वाला चीज़ है ना, सरफेस टेंशन मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट करने वाला चीज़ है। अगला देखिए सर क्या है, विस्कोसिटी मेजरमेंट्स यूजिंग ऑस्टवाल्स विस्कोमीटर, डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पॉलीमर इथेनॉल शुगर एट रूम टेम्परेचर, तो शुगर जो है सो रूम टेम्परेचर के अंदर में क्या क्या कुछ परिवर्तन आता है वो सारा कुछ, ठीक है। अगला डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सक्रोस सॉल्यूशन विथ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, तो ये आपका सेकेंड नंबर में है। अगला लास्ट पॉइंट में क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इनथेल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सेल, कैलकुलेशन ऑफ इनथेल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, कुछ एसिड्स के बारे में स्टूडेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनथेल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ स्टडी ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेंजोइक एसिड इन वाटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स इनथेल्पी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स आप लोग को बताते बताते हम कितना चीज़ सीख चुके हैं, ठीक है, आप लोग का केमिस्ट्री में, जबकि ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स आप लोग को, आप लोग की वजह से हम सीख चुके हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये बताइए वो बताइए, बताते बताते हम भी आप लोग के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा स्टूडेंट्स जब हम लोग एक दूसरे को नॉलेज बांटेंगे, ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, कोई भी एक स्टूडेंट है ना कि वो सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता किसी भी तरीके से, आप अगर केमिस्ट्री पढ़ें तो सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ सकते हैं मेजर में, ठीक है, आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब आप लोग को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया जाएगा तो मज़ा आएगा स्टूडेंट्स, क्या नया नया चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को, आप लोग के लिए हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, क्या कोशिश करेंगे कि आप लोग को पूरा जितने भी चीज़ें हैं ना उसका नोट्स बना के हम पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है, किसी तरह से, तो मज़ा आएगा स्टूडेंट्स हमको भी और आप लोग को भी बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी ना आप लोग को देखने को मिलेगा टाइम पर वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टूडेंट्स। कुछ स्पेशल बुक्स भी है स्टूडेंट्स, रेफरेंस बुक्स, तो इसको भी आप लोग अगर हो सके तो पढ़ लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा और अच्छा से, ठीक है, बढ़िया लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा आप लोग का भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।